नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है 2021-22 के लिए, और ये जो एडमिशन होगा ये आपका एडमिशन होगा AICTE फेलोशिप के थ्रू में, ठीक है। और यहाँ आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा 31,000 से लेकर 35,000 तक पर मंथ आपको यहाँ स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPUT भी बोलते हैं, और ये उड़ीसा का नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज है जो उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट है आप यहाँ एडमिशन पे देख सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा आप नीचे जाकर यहाँ देखिए स्क्रॉलिंग हो रहा है, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप और थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ जो न्यूज दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे जगह आप इसको चाहो तो देख सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन है तो मैं इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा राउरकेला, नोटिफिकेशन फॉर द पीएचडी एडमिशन 2021-22 अंडर द AICTE डॉक्टरल फेलोशिप ADF स्कीम, ठीक है। देन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग द पीएचडी डिग्री विथ गेट स्कोर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन टू द फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम अंडर AICTE डॉक्टरल फेलोशिप। तो ये एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए जिसको भी यहाँ एडमिशन लेना है उनको इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में ही एडमिशन ले सकता है। और बाकी यहाँ मेंशन किया गया है पीजी के साथ साथ इनका गेट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कौन कौन सा कॉलेज में आप यहाँ कर सकते हो, क्योंकि BPUT यहाँ जितने भी सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है सारे के सारे उड़ीसा का जो इंजीनियरिंग कॉलेज को ये हैंडल करता है। तो इसलिए यहाँ देख सकते हो चार पांच यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम दिया गया है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन BPUT राउरकेला, उड़ीसा एंड इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सारंग उड़ीसा। और कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप यहाँ कर सकते हो, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है 10, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ स्कीम कितना है, 3 साल के लिए है। यदि आपका स्पेशल रेफरेंस है तो आपको इसको बढ़ाया भी जा सकता है, मगर ये सारे के सारे स्टूडेंट के लिए 3 साल ही है, ठीक है। और जो फेलोशिप आपको मिलेगा ये 31,000 करके पर मंथ मिलेगा, उसके बाद 2 साल के बाद इसको फिर से बढ़ा दिया जाएगा 35,000 करके। इसके अलावा आपको कॉन्टिजेंसी अमाउंट मिलेगा 15,000 करके हर साल, मतलब आपका जो छोटा मोटा जो खर्च होता है, मान लो कि किताब खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, या कहीं विजिट करना, इस प्रकार का जो भी छोटा मोटा खर्च है इसके लिए आपको हर साल आपको 15,000 करके एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कम से कम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट में दोनों को मिला करके आपका 70% होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज पोस्ट ग्रेजुएट, इसके साथ साथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में आपका 70% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ गेट या नेट क्लियर होना बहुत जरूरी है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स फ्रॉम 2017। बाकी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उनके लिए गेट की जरूरत नहीं है, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। इसके लिए जो एज है ये कम से कम 30 से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वोमेन्स है, SC ST फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाएगा। बाकी कुछ छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप यहाँ देख सकते हो, जिनको पहले से ये मिला है उसको ये नहीं मिलेगा, बाकी ऐसे कुछ मेंशन किया गया आप थोड़ा सा देख लेना। देन सबमिशन ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इसको कैसे भेजना है यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द स्पीड पोस्ट द ड्यूली फिल्ड द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द रिक्वायर्ड रिलेवेंट एनक्लोजर्स टू द PIC। ये जो है मैं आपको थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ, ये है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म, इसी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको फिलअप करना है, इसके साथ जितने भी सारे रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे अटैच करके आपको भेजना है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, और ये कब तक भेजना है, ये आपको भेजना है 25 सितंबर 2021, यह है आपका लास्ट डेट, ठीक है। और इसके ऊपर आपको मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर ADF 2021-2022, और इसके लिए जो एप्लीकेशन फी जो आपको देना पड़ेगा यहाँ देखिए मेंशन किया गया है 1,000 रुपीज पर जनरल, एंड जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 750 रुपया। और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है इसका जो एड्रेस, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा देन छिंद राउरकेला 769015। तो ये है इसका फुल नोटिफिकेशन। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो बेसिकली इस 3 इंजीनियरिंग सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको
कम से कम 3 से 4 साल तक आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, जो फेलोशिप का अमाउंट 31,000 से लेकर 35,000 तक। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो अब आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।